आज की रेसिपी मैं लेके आई हूँ जो कि ये आलू पत्ता गोभी की सब्जी की रेसिपी है, जो मिक्स सब्जी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और पत्ता गोभी को तो हम और तरीके से भी बनाते हैं, एक बार इस तरीके से बना के आप देखिए, यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में, बहुत टेस्टी बनता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गोभी को काट ले रही हूँ, तो इसको एकदम बारीक नहीं चॉप करना है, आपको इस तरीके से ही चॉप करिएगा। तो क्या होता है कि एकदम बारीक चॉप करते हैं तो इस सब्जी में ना पता नहीं चलता है गोभी का। इसको मैं अलग से फ्राई करूंगी और थोड़ा सा ये क्रंची रहता है तो मज़ा आता है खाने में। तो इस तरीके से मैंने काट लिया है और इसे मैं धो लूंगी और पानी डाल के इसमें आधा चम्मच नमक डाल के थोड़े 10 मिनट के लिए इसे रख दे रही हूँ। इधर मैंने 2 प्याज लिया है, 2 टमाटर लिया है और इसे मैं चॉप कर ले रही हूँ। तो सारे चीज़ को मैं पहले से ही कर ले रही हूँ और फिर सब्जी बनाते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारे प्याज और टमाटर को काट लिया है, साथ ही साथ हरी मिर्च को भी के साथ काट ले रही हूँ। तो सारे चीज़ हमारा बारीक चॉप हो चुका है। इधर कढ़ाई में मैंने तेल लिया है और इधर इसमें मैं सारे पत्ता गोभी को डाल ले रही हूँ। इसे थोड़ा तेल का कलर चेंज होने तक इसको भूनना है। तो देख सकते हैं इसको मैं तब तक भूनने रख दे रही हूँ। इधर हमारा आलू भी बॉईल हो चुका है तो इसे हम छील ले रहे हैं। ठंडा हो चुका है तो आलू को छील लूँगी। तब तक ये गोभी भी हमारा फ्राई हो रहा है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, इसे मैं बाहर निकाल लूँगी। इस तरीके से ही रहना है और इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के इस आलू को भी मैंने दे दिया है, ये भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। तो हो गया है आलू भी हमारा, इसे भी इस प्लेट में बाहर निकाल लूँगी सारे को। तो सारा चीज़ हो चुका है, गोभी भी फ्राई हो चुका, आलू भी इसी कढ़ाई में फिर से तेल डाल लिया है और एक सूखा मिर्च और ये एक चम्मच पचफोड़न और हींग डाल के इसे पका लिया है। साथ में इसमें प्याज डाल देंगी और हरी मिर्च को भी डाल रही हूँ। तब तक इसे पकाना, थोड़ी देर पकने के बाद ही इसमें और भी ऐड करना। तो प्याज हमारा भून रहा है, इसमें साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ और इसे थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें टमाटर को भी डाल दूँगी। तो मैंने टमाटर इसमें डाल दिया है और फिर इसको थोड़ी देर पकने दे रही हूँ। 2-3 बार चलाने के बाद इसमें मैं ये मटर डाल रही हूँ क्योंकि ये करीब मटर है और इसे ढक के थोड़ा सा पकाऊँगी और फिर इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, नमक स्वाद अनुसार लिया है और इसको थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि सूखे मसाले मैंने डाले हैं। तो ये अच्छे से मसाले
हो जाए, मिक्स हो जाए और मसाले नहीं जलेगा, इसलिए मैंने पानी ऐड किया है। इसे थोड़ी देर ढक ढक के इसे पकाओ, अलग ना हो जाए। तो ये मसाले हमारे भून चुके हैं, इसमें मैं ये जो गोभी आलू फ्राई किए थे इसको भी साथ ही मैं डाल रही हूँ। तो मैंने डाल लिया है, इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लूँगी। गैस की फ्लेम तब तक धीमी रहेगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दे रही हूँ। और फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं गरम मसाला मैंने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब्ज़ी हमारा बनके रेडी हो चुका है, आप इसे किसी साथ भी खा सकते हैं, रोटी पराठा दाल चावल, बहुत टेस्टी लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।